नागौर जिले के कुचामन सिटी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब तबके व दिहाड़ी के मजदूरों को कोई समस्या न हो इसके लिए कई सामाजिक संगठनों के अलावा अब फौजी भाइयों ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। इंडियन नेवी में तैनात मूलाराम सारण ने बताया कि वे छुट्टियों पर आए हुए हैं और उन्होंने देखा कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग गाँव के बाहर जा रहे थे और उनको जब पुलिस वालों ने रोका तो उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से हम खाना नहीं खा पाए हैं, यह सुनकर हमने ऐसे लोगों को भोजन खिलाने का प्रण लिया है। मैंने अपने साथी को मैसेज किया, रवि मणिधर जो कि एयरपोर्ट में पोस्टेड है वो भी छुट्टी आया था, और एक चेनाराम चौधरी एंड धर्मेंद्र जो मेरा खास फ्रेंड है उनको मैंने मैसेज किया कि मैं यार कुछ मुहिम को हेल्प करना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग करें। तो उन्होंने मेरे बोलते ही उसने हाँ का जवाब दिया, बोला और मेरे घर पे आ गया। हमने उसी दिन से एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब से बात हुई मेरी, एसडीएम साहब ने बोला कि यार आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे ज़रूरत है ऐसे भमासाओं की, आप मेरे ऑफिस में आके इस बात को डिस्कस करें कि हमारे प्रशासन के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है उसको तभी वो जो है उनकी सप्लाई होगी और वही जो जरूरत